हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं आज का क्या सेंटीमेंट रहना, कैसे ट्रेडिंग रहने वाली है, क्या मार्केट में कुछ न्यूज़ है या फिर बहुत सारी जो भी सेंटीमेंट्स है वो सारे हम एक प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, लर्न करेंगे और लर्निंग के बेस में हम यहाँ पे अर्न करने की कोशिश करेंगे। आप जब भी यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करें, रिस्क को मैनेज करते हुए करें। आप ऐसा ट्रेड मत लीजिए जिससे आपकी साइकोलॉजी हैम्पर हो, और कभी भी बड़े ट्रेड लेने से पहले अपने रिस्क को कैपिटल करने के साथ में एक्सपर्ट की सलाह जरूर लिया करें। साथ में फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाता है, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। अब चलते हैं हम चार्ट पे। अगर फ्रेंड्स हम चार्ट की बात कर लेते हैं तो जो मार्केट का सेंटीमेंट चल रहा है फिलहाल के लिए, मार्केट एक रेजिस्टेंस से रिएक्ट कर रहा है जो कि 73,500-600 से लेके मैक्सिमम मार्केट के लिए 73,700 या फिर 800 तक का ये लेवल मार्केट के लिए बना हुआ, जो इसने हाई लगाया है। तो इसके आसपास मार्केट अगर रहता है तो थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, लेकिन अभी फिलहाल आज की अगर ट्रेडिंग की बात करते हैं, थोड़ा इसने रिएक्ट किया है। रिएक्ट करने के बाद में इसने लो बनाया है 73,170 का, और उसके बाद में मार्केट के लिए 72,900 का लेवल इसके लिए पहला सपोर्ट का काम करेगा, जहाँ पर मार्केट जो कैंडल बनी है, छोटी छोटी कैंडल्स ने यहाँ पे काम किया है। फिलहाल मार्केट का ट्रेंड अभी इतना निगेटिव नहीं है कि आप यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी शॉर्ट करके बैठ जाएं, क्योंकि एक ऐसा फॉर्मेशन चल रहा है कि मार्केट धीरे धीरे थोड़ा पोजीशन बनाता, फिर ऊपर निकलता, फिर थोड़ा सा एक रेंज बनाता, फिर ऊपर निकलता। तो ऐसे सिचुएशन में हमें, अगर आप बहुत छोटे अमाउंट के साथ, छोटे टारगेट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेल साइड के लिए आप थोड़ा सा, अगर जिन्होंने इस रेंज पे सेल किया होगा उनके लिए एटलीस्ट आप अपने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। फिलहाल आज मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड टू साइडवेज रहने की कोशिश करेगा। 73,000 या फिर 72,900 ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसके बाद ही मार्केट डिसाइड करेगा। इनकेस इसको ब्रेक करता है तो 72,600 का लेवल मार्केट के लिए नेक्स्ट रहेगा। ऊपर के लिए मार्केट अगर निकलने की कोशिश करता है तो सबसे पहले ये रेंज इसको रोकने के काम करेगी। रोकने के बाद में ऊपर मार्केट के लिए जो 73,600 के ऊपर निकलता है 700 के, तो फिर 73,000 से ऊपर निकलते हुए 74,000 के आसपास ये ट्रेंड लाइन एक चलती हुई आ रही है, इसको आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे इसको जाने के चांसेस बनेंगे। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आज है कि मार्केट या तो एक साइडवेज रहेगा या फिर थोड़ा सा 73 के आसपास आने की कोशिश करेगा, उसके बाद में नई पोजिशन कुछ बनने वाली होगी, तभी हम प्लान करेंगे। सबसे फर्स्ट फ्रेंड्स, आप समझने की कोशिश करिए, मैं आपसे क्या शेयर करना चाह रहा हूँ। जब भी मार्केट के लिए मैंने कल बोला था कि यहाँ पे अगर ओपनिंग होती है उसके बाद में फॉलो अप आता है तो फिर 72,000 एक इम्पोर्टेंट लेवल काम करेगा। इसके नीचे निकलने पे नेक्स्ट आपको 71,750 का लेवल था। अब आप देखते हैं कैंडल की ओपनिंग होती है, थोड़ा नीचे होता है, लेकिन उसके बाद में रिएक्ट करता हुआ जिसने जो लो का फॉर्मेशन किया है 72,100 का किया है। अब इसके बाद ये रिएक्ट करके ऊपर निकल गया, हायर हाई का पैटर्न बनाता हुआ चल रहा था, यहाँ पे कहीं भी सेल साइड की पॉजिटिविटी नहीं बन रही थी। अब यहाँ ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये अगर आप देखोगे लगभग 5-6 वीक से ज़्यादा का एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसको हाई टाइम पे मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो पॉसिबिलिटीज है, जिन्होंने यहाँ अगर सेल साइड अपॉर्चुनिटी बनाई हुई है, वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस आप यहाँ भी डिसाइड करके रखिए। क्योंकि मार्केट अगर आप देखोगे तो पूरा अक्टूबर मंथ ये इस लेवल में घूमता रहा है, उसके बाद में सितंबर में एंट्री इसकी हुई थी लगभग 6 सितंबर को, उसके बाद में एक बार यहाँ गया, उसके बाद कितना करेक्शन आया है, सेकेंड टाइम उसको टच नहीं कर पाया लेकिन उससे नीचे से रिएक्ट किया है। अब ये यहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा वीक है ये रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे इतना भी नहीं है कि मार्केट में हम बहुत ज़्यादा अमाउंट सेल करके बैठ जाए। थोड़ा मार्केट को अगर फॉलो पाता है तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस के साथ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली हमें प्रॉफिट होना भी जरूरी नहीं है, बीच में हमें लॉसेज भी लेना चाहिए। अगर आप एंड ऑफ द मंथ आप कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट में रहते हैं, तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को एक बार शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी में शेयर करिए, जिससे आपको टाइम पे अपडेट मिलता रहे और आप कुछ लर्न करते रहे। यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर हम कुछ और देखने की कोशिश करते हैं डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में भी कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो अगर आप कर रहे होंगे तो डेफिनेटली ये किसने काफ़ी अच्छे लेवल पे जाके रिएक्ट किया है। अब यहाँ से इसका फॉलो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, या मार्केट यहाँ साइडवेज होगा तो नेक्स्ट वीक में हो सकता है एक पॉसिबिलिटी बने ऊपर ब्रेक करने के लिए, वो हम वीकली एनालिसिस में देखेंगे डिटेल। जो भी रहेगी कंडीशन बेस्ड रहेगी, प्रोबेबिलिटी बेस में चलते हैं, तो कभी भी आप एक वन डायरेक्शन व्यू लेके मत चलिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग के लिए सबसे अच्छा पॉइंट होता है जब ये ऐसा कुछ रेंज का फॉर्मेशन किया, जैसा इसने 13 नवंबर के आसपास किया था, 12 और 13 को रेंज फॉर्मेशन किया, अब एक सिंपल सा रेंज को ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, आपके लॉसेस कम हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आज मार्केट का रेंज जो रहेगा ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है, उसको ब्रेक करना थोड़ा सा इजी नहीं लग रहा है, लेकिन मार्केट है, मार्केट को सुप्रीम मान के चलना है। स्टॉप लॉस हमारा जो यहाँ पे बनेगा 73,800 के आसपास ऊपर की तरफ रहेगा अगर आप सेल साइड के बने हुए हैं, और बाइंग साइड के लिए अगर जा रहे हैं तो फिर मार्केट के लिए भी थोड़ा सा बेटर मूव आपको देखने को मिल सकती है थोड़ा सा एक इस वीक के क्लोजिंग के बाद में। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।